दोस्तों आज 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ी है। चलिए जान लेंगे भाई साहब के पास, एक गाड़ी है देसी टमाटर की आई जिसको गोल्ड टमाटर बोलते हैं, एक गाड़ी हाइब्रिड टमाटर की आई जो बिकली। चलिए जान लेंगे आज का देसी वाले टमाटर का और हाइब्रिड टमाटर का क्या बाजार चला मंडी में, कहां कहां के माल आए चलिए जान लेंगे। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 25 किलो की टमाटर की आता तो ऐसे में ज़्यादा 25 किलो मानते हैं, आप भी 25 किलो माने, पर जब ये तुलेगा बिकेगा शाम तक तो दुकानदार को इसमें से 20 किलो बढ़िया टमाटर ही हाथ लगेगा, बाकी तो 5 किलो कोई काना भी पीस निकल जाएगा, फुट्टा भी निकलेगा, वजन भी कम होगा, छोटे भी निकलते हैं नीचे जो गोली टमाटर बोलते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। राणा साहब को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। और सरकार क्या हाल है? बढ़िया जी। भाई साहब जी आज की क्या पोजीशन जी मार्केट की? आज की पोजीशन भाई साहब मंडी में माल थोड़ा सा शॉर्ट है और जो थोड़ी सी 10-20-50-20-30 रुपए की तेजी आई है। हाँ जी। वो देसी टमाटर के ऊपर आई है। आज मैं आपको झिरके का टमाटर दिखाता हूँ, लोकल टमाटर हमारे पास चालू हो गया है। अच्छा, ये झिरके का टमाटर है। अच्छा, फिरोजपुर जी फिरोजपुर झिरका मेवात का। अच्छा जी, ये टमाटर चालू हो गया है। ये बिकली है जी सारी गाड़ी? ये टमाटर गाड़ी में ना छोटी पिकअप आती है। अच्छा, छोटी पिकअप में 100 लाख से लेकर 150 लाख तक होता है। अच्छा जी। आते आज 150 लाख का मुहूर्त हुआ है, मतलब कल भी आई थी। हाँ जी। और आज थोड़ा सा साफ टमाटर रहा है, एक दो उड़ान हो चुके हैं। अच्छा जी। अब माल जो है ये थोड़े क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी। हाँ, और इनकी पोजीशन जो आज रही है अपने पास 250 रुपए से लेकर 350 रुपए तक। 250 से लेकर 350 रुपए, जो हल्के माल है वो भी 250 रुपए और जो अच्छे माल है वो भी 350 रुपए। अच्छा जी जी। और जो देसी टमाटर कासगंज वाला? देसी टमाटर कासगंज का टमाटर बेकार हो चुका है, हल्के टमाटर हो गए, एक तो शिमला मिर्च जैसा हो गया, फोका टमाटर, फोका टमाटर कुछ उसमें निकल गई है, चोच वो वाली गाड़ी लगी है वो देखिए। हाँ जी। छोटा लड़का जो लड़का बेच रहा है मेरा, हाँ जी, वो टमाटर जो है अपना उधर का है, देसी टमाटर एटा कासगंज का। अच्छा जी। उस टमाटर की पोजीशन जो है 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक, वो 250 से 300 रुपए। हाँ, ये तो रही इसकी। और सीतापुर का भी और एटा कासगंज, हाँ जी, दोनों इलाकों का माल एक जैसे ही है। अच्छा जी। और इन दोनों की पोजीशन भी एक जैसी है। और जो अहमदाबाद का देसी आ रहा जी? अहमदाबाद का जो देसी आ रहा है वो समाप्ति की कगार पे, एक या दो गाड़ी मंडी में कोई आ रही है। अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर है वो तो 300 से लेकर 330-340 रुपए तक, और जो हल्के माल है वो 250 रुपए के आसपास। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और कहाँ का है जी देसी? देसी की मैंने आपको चारों तरफ की पोजीशन बता दी, एटा की बता दी, यूपी कासगंज की बता दी, सीतापुर की भी बता दी और जिलगांव की बता दी, और रह गया भोपाल का टमाटर। हाँ जी। जो आज की डेट के अंदर जो सबसे बढ़िया देसी टमाटर आ रहा है वो भोपाल का आ रहा है, और भोपाल का टमाटर की पोजीशन जो आज की रही है वो रही है 400 रुपए की। भोपाल वाले भोपाल वो जबरदस्त है जी, सबसे बढ़िया टमाटर इस टाइम पे, साफ सुथरा टमाटर वही है ना। अच्छा जी। कोई उसके मुकाबले में भी कोई टमाटर आसपास आ नहीं रहा। अच्छा जी। तो ग्राहक जो है उसी को पसंद कर रहा है। अच्छा जी। और प्रॉपर बढ़िया देसी टमाटर है, वही टमाटर मंडी में 3-4 गाड़ी आ रही है, उसकी जो रेंज है वो 400 रुपए का टमाटर। देसी के बाजार में 20-30-50 रुपए की तेजी है जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 20 रुपए से लेके 30 रुपए लग की तेजी है, 50 की भी तेजी है, क्योंकि 50 रुपए भोपाल जैसे मालों में 50 की तेजी है, हल्के माल आज भी वही भाव बिक रहे हैं। अच्छा जी। बढ़िया क्वालिटी को ग्राहक ढूंढ रहे हैं, बढ़िया में 50 की तेजी है। और जो बात करें भाई साहब हाइब्रिड की? हाइब्रिड की बाजार के अंदर 10-20 रुपए की बाजार में तेजी है, 50 की तेजी बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। मार्केट के अंदर माल शॉर्ट है, आप भी अभी मंडी घूमेंगे तो हाइब्रिड की गाड़ियां मंडी के अंदर माल में लगे हुए हैं। हाँ जी। और हाइब्रिड टमाटर जो विराग कल 300-310-20 रुपए 30 रुपए बिक रहा था, आज ये भी समझिए 320-340-50। अच्छा जी। हाँ, कोई बोला बहुत ज्यादा ये कहूँ के में तेज है। चलो 25 रुपए के रेट के हिसाब से 1 रुपए किलो की तेजी लगाओ। 1 रुपए किलो की तेजी है। अच्छा जी। वो भी मतलब ऐसा है माल शॉर्ट है मंडी के अंदर, थोड़ा सा कल भी बारिशों के प्रभाव के कारण ज्यादा उठाव नहीं था। हाँ जी। इस कारण से जो है माल शॉर्ट आने के कारण 1-1.5 रुपए किलो की बाजार के अंदर तेजी सी है। अच्छा जी। हाँ, और ज्यादातर हाइब्रिड टमाटर विरान का ही आ रहा है अहमदाबाद का। हाँ जी। जो ऋषि का टमाटर अहमदाबाद का आ रहा है वो 250-260 सत्तर। अच्छा जी जी जी। और कहाँ का है जी ये हाइब्रिड में? हाइब्रिड 90% जो है यही वाला आ रहा है, सिर्फ अहमदाबाद का, एक आधी गाड़ी भोपाल की आ रही है, एक आधी गाड़ी इंदौर की आ रही है। हाँ, पोजीशन जनरली उनकी भी यही है। अच्छा जी। विराग टमाटर उनका भी 300 से 320-350 बिक रहा है। हाँ जी। और जो हल्के टमाटर है 200 से लेकर 250 रुपए तक, ये वाले टमाटर बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो हल्के फोके टमाटर है। और ये बात बताओ, ये जो फिरोजपुर लोकल टमाटर है जीरके वाले जी हैं जी, ये तार बांस है लोकल है जी? देखिए, इनमें कई सारे जो सुदृढ़ किसान होते हैं, मजबूत किसान है, उन्होंने तार बांस की खेती कर रखी है। अच्छा जी। कई जो नॉर्मल किसान है वो थोड़ी जमीन की खेती करते हैं, मिक्स एंड मैच है। अच्छा जी। आधे आधे व्यापारियों के पास, बल्कि 30-40% माल जो है तार बांस के, 60% जो है वो जमीन के टमाटर। जो यहाँ के लोकल किसान है, जिनसे बात हो, बरसात वगैरह ओले वगैरह कितने पड़ेगी? ज्यादा ओले वाले की इधर मार नहीं है, फिरोजपुर जिलका में मार नहीं है। हाँ जी। और थोड़े अदर इलाकों में बारिश की मार तो है ही है।
अच्छा जी। और बाकी जो है अभी दो चार दिन में दो चार इलाके और टमाटर के लोकल चालू हो जाएंगे, जैसे आपका सोनीपत नागल साइड का टमाटर चालू हो जाएगा, हाँ जी, चरकी दादरी का टमाटर, चांग वगैरह का टमाटर, हाँ जी, और इधर का अपना चोमू का टमाटर, अच्छा जी, और ये गढ़गंगा का टमाटर, दिल्ली NCR के आसपास के 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक चल सारे एरिया जो है, बस अब ये समझिए इस सोमवार से स्टार्टिंग हो चुकी है और अगले सोमवार से पीक पे आ जाएगा। अच्छा जी, मतलब 10 दिन के अंदर टमाटर जो है पूर्ण रूप से लोकल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। दिशावरी गाड़ियाँ जो है हफ्ते बाद जो है आउटर नजर आएगी, यानी जो बाहर की मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, या जो अपना अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आउट हो जाएंगे। जो टमाटर आएंगे एटा काशगंज आएगा, चरखी दादरी आएगा, ये छोटी गाड़ियाँ आएंगी, बस छोटी गाड़ियाँ, ये भी बड़ी है, इससे भी छोटी गाड़ियाँ आएंगी। अच्छा, बड़े ट्रैले बंद हो जाएंगे, बड़े ट्रैले की संभावना यही है कि बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, बाकी एक दो तीन गाड़ियाँ जो पुराने लंबे किसान चलते हैं जिनके नए माल है, वो दो तीन गाड़ियाँ भी आती रहेंगी। अच्छा जी, और ये है ज्यादातर माल आउट हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। मोबाइल नंबर 98-111-63-748, नाम दीपक ढिंगरा, फॉर्म का नाम आप बोर्ड के ऊपर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों। ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी।